कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार दोपहर को 2 दिन के मणिपुर दौरे पर इम्फाल पहुंचे हैं। यहां विष्णुपुर के पास उनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया है। वो चूरा चांदपुर रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि रास्ते में हिंसा हो सकती है, इसलिए काफिला रोका गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पुलिस का कहना है कि वो हमें इजाजत देने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें क्यों रोका है। बता दें, राहुल गांधी को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करना है और सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात करनी है। वो 30 जून तक मणिपुर में रहेंगे। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने बताया कि राहुल का सीनियर सिटीजन और कई नेताओं से भी मिलने का प्रोग्राम है। बता दें, मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 419 लोग घायल हुए हैं। 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 6,000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा को देखते हुए राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। राज्य में 36,000 सुरक्षाकर्मी और 40 IPS तैनात किए गए हैं।